दीदवाना शहर के खारिया तालाब के निवासियों के द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गोड को सौंपा गया है। ये ज्ञापन सड़क नाली बनवाने की मांग को लेकर सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि वार्ड नाम 31 में लंबे समय से गदंगी का आलम लगा हुआ है और न ही सड़क है न ही नाली है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और गंदगी की वजह से मौसमी बीमारियों से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और ये मुख्य सड़क सालासर बाईपास में मिलती है, लेकिन कई बार प्रशासन जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्य सड़क होने की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी हो रही है। इस समस्या पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या से निजात दिलाई जाए। ज्ञापन देने वालों में पवन खटीक, राकेश अर्जुन, राहुल ऋतिक आदि मौजूद रहे। समस्या सर ऐसा है, हमारे को 70-80 साल हो जाते हैं, पानी का भराव आता है, कभी घर छोड़ के बाहर जाते हैं, कभी घर छोड़ के कहीं जाने के लिए जाते हैं, पानी में हमारे 60 साल से हो गए, देख लो पानी का अभी तक नशा नहीं हुआ। और सड़कें टूटी हुई पड़ी है, जहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह है वहाँ पे तो सड़क है, जहाँ इंसान रहते ना वहाँ सड़क ही नहीं है, नाली भी नहीं, नाली के मच्छर खा के देखो ऐसे हाल हो रहा है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, कभी अस्पताल जाते हैं तो कभी यहाँ आते हैं। ये पानी से हमारा छुटकारा चाहिए, गंदगी ये गंदगी हो रखी है। वैसे हमें तो मच्छरों से परेशान है और बाकी पानी से भी परेशान है, ये हमारा ना समाधान करो। आप सभी बड़े हैं ना, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे गरीब आदमियों का ध्यान रखो, एक बार आप आके देखो हमारी क्या स्थिति है। और ढोलियां का मोहल्ला है, 31 नंबर वार्ड है, ऐसा है, आके देखो क्या है हमारी स्थिति है। वहाँ खाना नहीं खा सकते हो आप, बैठ नहीं सकते, 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। यहाँ वार्ड नंबर 31 की हालत ये है कि नाली और सड़क बड़ी हुई नहीं है बिल्कुल भी, और पानी जो गंदी नालियों का पानी आता है घरों से, उस पानी की वजह से मौसमी बीमारियां फैल रही है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे मौसमी बीमारियां बढ़ रही है, बच्चे रोज़ बीमार हो रहे हैं। और प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को हमने कई बार अवगत करवा दिया लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जल्द से जल्द नाली और सड़क का निर्माण करवाया जाए।